सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुड लक जेरी के बारे में। जानवी कपूर इसमें आपको लीड रोल में दिखने वाली है और इसकी जो कहानी है सबका कहना है कि ये किसी साउथ मूवी से जो है छापा हुआ है। अब मैंने वो मूवी तो देखी नहीं है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद में मुझे कैसा लगा और आपका टाइम वेस्ट होने वाला है या आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, इसी बारे में बात करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी रहती है जानवी कपूर अपने फैमिली के साथ में पंजाब में रह रही होती है और वहां पे जो है किसी मसाज पार्लर में काम कर रही होती है, जिसको लोग जो है अलग नजरों से देख रहे होते हैं। माँ जो है वो मोमोज बेच रही होती है और इस तरह से जो है घर संसार चल रहा होता है। लेकिन अब इन सभी चीजों के साथ में जो एक लव स्टोरी भी दिखाई जाती है जो कि दीपक डोबरियाल और जानवी कपूर के बीच में का रहता है। और सच बताऊं तो दीपक डोबरियाल अपना बेस्ट देते हुए नजर आते हैं, यानी जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं तो आपको गुदगुदा करके तो जरूर जाएंगे। तो भाई ये सारी चीज तो हो गई इस कहानी का मेन बेस। अब बात आती है कि ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि एक दिन पुलिस वाला जो है किसी को दौड़ा रहा होता है और उसको जो है गलती से पकड़वा देती है जानवी कपूर। एंड दैट वाज टोटली अ कोइंसिडेंट, उसमें कोई भी इंटेंशनली ऐसा नहीं था कि भाई वो पकड़वाना चाहती थी, मतलब उसने दरवाजा खोला और वहां पे आकर के टकरा जाता है वो अपराधी। और जब वो अपराधी पकड़ा जाता है तो पता चलता है वो किसी ड्रग डीलर के अंदर में काम करता है। अब उसका जो मेन हेड है वो मिल जाता है जानवी कपूर से और उसके बाद से जो है उसकी इनोसेंट को देख करके वो पिघल जाता है और फिर जो है ये मीटिंग ओवर हो जाती है। लेकिन कहानी में आगे दिखाया जाता है कि माँ को जो है कैंसर है और उसके लिए जो है ढेर सारे पैसे चाहिए। ड्रग डीलर का जो काम है ना कि इधर से उधर ड्रग्स उठा करके डिलीवरी करवाओ, वो कुछ फास्ट मनी अर्न कर सकती है। तो भाई इसी चीज को जो है आगे दिखाया जाता है। अब वो किस तरह से पैसे कमाती है, किस तरह से अपनी माँ को बचाती है और एंड में जाकर के क्या होता है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपको हंसी कूट कूट करके मिलेगी। लेकिन मुझे इस फिल्म के अंदर में कहीं पे भी उतनी हंसी नहीं मिली, उतना ज्यादा कॉमेडी नहीं लगा, क्योंकि वो सभी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा यूजुअल सा लगा। तो भाई इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जानवी कपूर कितनी इनोसेंट है, यानी जब वो रोती है तो वो उस वक्त में कैसी लगती है। एक सीधी सादी सी लड़की, छुई मोसी लड़की जब रोने पे आ जाती है तो किस तरह से रोती है, और वो वाला पार्ट जो है उसने बखूबी निभाया है। अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो जानवी कपूर और उसकी फैमिली का जो कैरेक्टर है वो दिया गया है बिहार से, बिहार झारखंड कुछ उस तरह का कैरेक्टर उनको दिया गया है। अब उसके अंदर में जो उनको एक्शन चाहिए होता है ना भाई, वो एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। उससे अच्छा तो मैं बोल लूंगा, मानेंगे कान के नीचे में एक झन्नाटेदार झापड़ ना कि साला यहीं पे गिर जाओगे तुम, बता रहे हो तुमको, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। का ही बताए, हर केहू के बस की बात नहीं है ना कि बिहारी भाषा में झाड़ दे तुमको और तुम जो हो सुनकर के एकदम लबलबा जाओ कि हाँ कुछ मजेदार ही सुन लिए हैं। तो भाई एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा था। वहीं पर अगर दीपक डोबरियाल की बात की जाए तो भाई उनका एक डायलॉग एकदम जबरदस्त लगता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। वो क्या है ना कि ऊपर वाले ने मुझे इतना हैंडसम जो बना दिया है, ये लाइन काश किसी लड़की पे मार पाता और फिर वो लड़की भी मेरे कान के नीचे मार पाती। चीजी सा डायलॉग रहता है दीपक डोबरियाल का, और खास करके वो वाला सीन आपको बहुत ज्यादा हंसी दिलाएगा जब उसको पता चलता है कि उसके वैन में 100 किलो ड्रग्स है और उसके बाद हंसी, डर, गुस्सा, फटी की हालत सब एक साथ एक ही टाइम पे उसका एक्सप्रेस करना होता है। एंड दैट वाज ऑसम परफॉर्मेंस। तो भाई ओवरऑल कुछ यही है। आपको अगर लूट केस अच्छा लगा तो भाई उसके सामने में ये मूवी एकदम फीकी लगेगी, जबकि कुछ वैसे ही फीलिंग देने की कोशिश करती है आपको, लेकिन वो फीलिंग आपको दिलवा नहीं पाती है। ना वो एक्साइटमेंट, ना वो कॉमेडी, ना उस तरह का कुछ एकदम ओवर द टॉप हो जाए एक मामला कि हाँ कॉमेडी में कुछ तो कमाल हो गया। तो सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, गाना जो है ठीक ठाक सा है, एक्टिंग मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात कि आपको एंटरटेन करेगी या नहीं, आपके पास अगर टाइम पड़ा हुआ है, आप वैसे कुछ देख नहीं रहे हो तो ये भी देख करके अपना दिल बहला सकते हो। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। आपने देखा है तो आप जरूर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।